आज हम लोग देखेंगे जो इलेक्ट्रिकल पैनल पे बस कपलर होता है, बस कपलर क्या होता है और हम लोग बस कपलर क्यों यूज़ करते हैं, ये हम लोग आज देखेंगे। वीडियो पूरा प्रैक्टिकल होने वाला है, ठीक है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पंकज और आप लोग देख रहे हैं दी इंजीनियरिंग वाली यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग एक बार ड्राइंग में देखेंगे कि बस कपलर का कैसे रहता है, ठीक है। एक बार ड्राइंग में देखेंगे बस कपलर कनेक्शन कैसे क्या रहता है, उसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। वीडियो पूरा प्रैक्टिकल होने वाला है, तो फिर चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक बार ड्राइंग में सीख लेते हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे पूरा, ठीक है। एक बार ड्राइंग में सीख लेते कैसे होता है। या फिर देखिए, हम लोग के पास दो ट्रांसफार्मर है, ठीक है, दो ट्रांसफार्मर है और ये मेन फीडर है जो कि एचटी साइड का है, मेन फीडर है एचटी साइड का है, ठीक है। हम लोग यहाँ से पावर देंगे, पावर देने के बाद क्या होगा, ट्रांसफार्मर में पावर आएगा, दोनों ट्रांसफार्मर में पावर आएगा। आने के बाद जो ये वाला जो साइड होता है, ये साइड हम लोग इसको पीसीसी बोलते हैं। जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं उन लोगों को पता होगा कि पीसीसी क्या होता है, ठीक है, पावर कंट्रोल सेंटर होता है, ठीक है। उसका दो इनकमर है और ये वाला जो है हमारा कॉमन बस बार है, कॉमन बस बार हो गया। तो इसके बीच में एक बस कपलर लगा हुआ है, बस कपलर कुछ नहीं है, एक ब्रेकर है जो कि इस साइड वाला जो बस है, इस साइड जो बस है इसको क्या करते हैं, जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो अभी कैसा होगा देखिए, मान लीजिए ये इस साइड वाला में बहुत सारा लोड चल रहा है, कोई भी एमसीसी हो गया, एमएलडी में हो गया, कुछ फीडर चल रहा है, कुछ मोटर चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है इस वाला साइड में भी, साइड से ये वाला साइड से भी बहुत कुछ चल रहा है। ये वाला ट्रांसफार्मर चल रहा है, ये वाला भी ट्रांसफार्मर चल रहा है। इस कंडीशन में क्या होगा देखिए, जैसे कि मान लीजिए कुछ मतलब ये वाला जो ट्रांसफार्मर है इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया, कुछ फॉल्ट आ गया, ठीक है, तो कुछ फॉल्ट आ गया, कुछ प्रॉब्लम आ गया, ओके। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हम लोग इसको मेंटेनेंस में लेते हैं, या अगर मान लीजिए मेंटेनेंस में ले रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आ गया, फॉल्ट हो गया है, ओके, उस कंडीशन क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, बंद करेंगे। बंद करने के बाद उस कंडीशन में हम लोग क्या चाहिए कि इस साइड से जो लोड चल रहा है ये भी चलना चाहिए, ऑफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, उस कंडीशन में ये जो बस कपलर है, उस कंडीशन में बस कपलर काम पे आते हैं। अब ये कैसे काम कर रहा है देखिए, मान लीजिए ये वाला बंद हो गया, ठीक है, ये वाला हम लोग बंद करके रखे, उस कंडीशन क्या होगा, ये वाला चालू है, ये वाला चल रहा है, चलने के बाद यहाँ पे तो पावर नहीं आएगा क्योंकि ये बंद है। उस कंडीशन क्या होगा, इससे पावर आ रहा है, तो क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑन कर देंगे। इसको ऑन करने के बाद क्या होगा, एक ऐसी भी एयर सर्किट ब्रेकर है, क्या होगा, ये जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद क्या होगा, पूरा जो लाइन है इसमें पूरा पावर सप्लाई फ्लो हो जाएगा। उसके बाद ये जो है, इस साइड से जो लोड चल रहा था, ये वाला ट्रांसफार्मर चलने लगेगा, ठीक ना। उसके बाद देन क्या होगा, मान लीजिए इसका जो है हमारा काम हो गया है, इसका मेंटेनेंस हो गया है, जो फॉल्ट आया था वो हम लोग प्रॉब्लम शॉर्ट आउट कर दिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मान लीजिए ये वाला ट्रांसफार्मर से पूरा लोड ये चलता रहेगा, मान लीजिए लोड थोड़ा बढ़ रहा है, कुछ हो रहा है, तो इसके ऊपर ज़्यादा लोड आ सकता है ये वाला ट्रांसफार्मर के ऊपर, ठीक ना। तो क्या होगा, हम लोग फिर से क्या करेंगे, ये जो बस कपलर है इसको बंद करेंगे। बंद करने के बाद ये वाला ट्रांसफार्मर चालू करेंगे। चालू करने के बाद क्या होगा, ये जो मेन इसका इनकमर है, दो इनकमर है, आउटपुट का इनकमर, इसको हम लोग ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद क्या होगा, बस कपलर उस कंडीशन में बंद रहना चाहिए। तो क्या होगा, फिर से ये इस साइड से जो लोड है, इस साइड से चलना चालू हो जाएगा और इसका जो लोड है इस साइड में थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। लोड डिवाइड कर देते हैं क्योंकि दो ट्रांसफार्मर ने सब लोग डिवाइड करके भी चला सकते हैं, ऐसे करके चला सकते। तो मेन काम जो यही होता है बस कपलर का, कुछ हम लोग मेंटेनेंस में लेते हैं, कुछ इसका प्रॉब्लम हो गया, लोड शेयरिंग हो गया, लोड शेयरिंग करते हैं, मान लीजिए अगर एक ट्रांसफार्मर रहेगा, इससे बहुत ज़्यादा लोड चल रहा है, तो फिर इससे हम लोग शेयर कर सकते हैं लोड, इसका थोड़ा लोड ट्रांसफार्मर का जो लोड है थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। मेन बस कपलर इसलिए ज़्यादातर काम पे आते हैं, ठीक है। ये एचटी साइड हो गया और ये एचटी साइड हो गया और ये एलटी साइड हो गया, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 11 kVA 433 volt, ठीक है। तो अभी चलिए इसको मतलब प्रैक्टिकली पूरा देखेंगे, पूरा फुल डिटेल में कैसे क्या होता है, ठीक है। तो फिर चलिए, तो ये आप लोगों का सामने देख सकते हैं, ये एक पीसीसी पैनल है, ओके, ये पूरा जो है पीसीसी पैनल है, ठीक है। तो पीसीसी पैनल पे ये हम लोग का यहाँ पे दो इनकमर है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो सामने लिखा है ट्राफो इनकमर वन, ठीक है, एक ट्रांसफार्मर से आ रहा है और हम लोग का जो बीच में है ये बस कपलर हो गया। दूर से देख सकती है टोटल ये पूरा पीसीसी पैनल है, ओके। और यहाँ पे देख सकते हैं ये ट्राफो टू, मतलब ये दो नंबर ट्रांसफार्मर से आ रहा है, लिखा भी है ट्राफो टू, बीच में बस कपलर है और देन ट्रांसफार्मर ऑन, ठीक है। पहले तो ये हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ पे पावर कैसे आ रहा है, ठीक है, उसके बाद
बस का बोलकर क्या रहता है कंडीशन वो समझेंगे, ठीक है। तो इससे पहले मैं मेरा चैनल पे बहुत सारा मैं वीडियो डाला हूँ एच टी पैनल के ऊपर, एल टी पैनल के ऊपर और एल आर एस के ऊपर, बहुत सारा स्नाइडर इलेक्ट्रिक का मीटर के ऊपर। अगर वो वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल पे विजिट कर सकते हैं, ओके। तो पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये रहा हमारा एच टी पैनल जो मेन पैनल है, ठीक है। 6.6 के वी का है ये, वी सी वी ब्रेकर है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा जो मेन इनकमर है, यहाँ पे पावर आ रहा है, ठीक है। ये देखिए ये मेन इनकमर है, यहाँ पे पावर आ रहा है, ठीक है। पूरे एच टी पैनल के ऊपर मैं एक वीडियो में बना चुका हूँ, उसको आप लोग देख सकते हैं। ये मेन इनकमर एक ओवरव्यू दे देता हूँ कैसे वहाँ पे पावर जा रहा है पीसीसी पैनल में, ठीक है। ये मेन इनकमर हो गया, ठीक है। जब हम लोग ये मेन इनकमर को ऑन करेंगे तो एक अंदर में कॉमन बस बार है वो चार्ज हो जाएगा, ठीक है। चार्ज होने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर, यहाँ पे लिखा है फीडर ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर। ये एक नंबर ट्रांसफार्मर है जो वहाँ पे पीसीसी पैनल पे दिखाया था, एक नंबर ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का फीडर है। और देन ये वाला जो है ये दो नंबर ट्रांसफार्मर का फीडर है, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो फिर देखिए जब हम लोग मेन इनकमर को ऑन करेंगे पूरा बस बार में सप्लाई चला जाएगा, सप्लाई जाने के बाद उसके बाद हम लोग ये जो ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर है इसको ऑन करेंगे, इसको ऑन करने के बाद कहाँ पे जाएगा हमारा जो फील्ड साइड है पीछे, वहाँ पे एक ट्रांसफार्मर रखा हुआ है 2000 केवी का है, ठीक है। दो ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, एक नंबर ट्रांसफार्मर ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर है और ये दो नंबर ट्रांसफार्मर है, ठीक है। दोनों ही दो 2000 का दो ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, ठीक है। ऑपरेटिंग वोल्टेज है 6.6 बाई प्राइमरी 6.6 और सेकेंडरी में 415 वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग ऑन करेंगे तो फिर कहाँ होगा जो फील्ड में जो ट्रांसफार्मर सप्लाई जाएगा प्राइमरी साइड में, ठीक है। प्राइमरी साइड में जब जाएगा, प्राइमरी साइड में जाने के बाद ट्रांसफार्मर चालू हो जाएगा, ट्रांसफार्मर चालू होने के बाद उसका सेकेंडरी साइड से कहाँ आएगा पावर, यहाँ पे जो पीसीसी पैनल आप लोगों को दिखाया था यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ऊपर से आ रहा है उसका जो डक्ट है आप लोग यहाँ ऊपर से देख सकते हैं, पीछे से ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, ओके। ये दो नंबर का है और वो वाला एक नंबर का है, ठीक है। इसके अंदर में बस बार है, बस बार के थ्रू अंदर पे जो पीसीसी पैनल का मेन इनकमर है, दो इनकमर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अभी चलते हैं फ्रंट पे, हम लोग देखते हैं यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा, ये ऊपर से आ रहा है, देखिए ऊपर से जो है दिख रहा होगा आपको, वहाँ से इसका इनकमर मेन आ रहा है एक नंबर ट्रांसफार्मर पे, ठीक है। उसके बाद बीच में बस कल्पर हो गया, फिर ये दो नंबर ट्रांसफार्मर पे, ओके। देखिए ऊपर से वो भी आ रहा है मेन इनकमर, यहाँ पर आ रहा है। एसी ब्रेकर है, ठीक है, एलएनटी का है, एयर सर्किट ब्रेकर ये वाला भी, ये वाला एयर सर्किट ब्रेकर बस कपलर वाला, ये वाला भी एयर सर्किट ब्रेकर है, ओके। दोनों का इनकमर यहाँ पे हो गया एक नंबर दो नंबर, ठीक है। अभी देखिए बस कपलर यूज करने का पर्पज क्या रहता है, देखिए अभी आप लोग देख सकते हैं ये वाला ट्रांसफार्मर ऑन है, एसी भी देख सकते हैं ये वाला ट्रांसफार्मर ये ऑन कंडीशन पे है, ठीक ना। और बस कपलर देखिए आप लोग ऑन कंडीशन देख सकते हैं, ये वाला भी ऑन है, ओके। और ये दो नंबर जो ट्रांसफार्मर है ये वाला हम लोग बंद करके रखे हैं, क्यों बंद करके रखे हैं, देखिए जो ये पीसीसी जो पैनल है इसमें क्या होता है, हम लोग दो ट्रांसफार्मर लगा के रखते हैं, क्यों रखते हैं देखिए, इनकेस अभी जो ये वाला जो ट्रांसफार्मर मान लीजिए ये वाला ट्रांसफार्मर चल रहा है, ठीक है, ये वाला ट्रांसफार्मर अभी चल रहा है, मान लीजिए ये वाला ट्रांसफार्मर में कुछ प्रॉब्लम आ गया, हम लोग मेंटेनेंस में लेंगे, कुछ फॉल्ट आ गया, ठीक है, उस टाइम तो हम लोग को प्लांट चलाना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, ये जो ट्रांसफार्मर है ये वाला ब्रेकर हम लोग बंद करेंगे और जो एच टी पैनल है वहाँ से भी ब्रेकर बंद कर देंगे। तो बंद करने के बाद क्या होगा, जो ट्रांसफार्मर है ये वाला बंद हो जाएगा, ठीक है। बंद होने के बाद क्या करेंगे, जो दो नंबर वाला जो ट्रांसफार्मर है इसको हम लोग ब्रेकर को रैक इन करेंगे, रैक इन करके इस ब्रेकर को हम लोग ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद क्या होगा, ये जो ये इस साइड का है, ठीक है, इस साइड में पूरा पावर चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद बस कपलर एकदम अभी आता है, मान लीजिए इस साइड में जो सेक्शन है, ठीक है, इस साइड से जो सेक्शन चल रहा है इस साइड में मुझे पावर देना है, तो हम लोग कैसे देंगे, तो हम लोग करते हैं क्या होता है, ये जो बस कपलर है इसके थ्रू हम लोग करते हैं, ठीक है। जब हम लोग बस कपलर ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद क्या होगा, ऊपर में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पूरा कॉमन बस बार है, ठीक है, पूरा कॉमन बस बार है। तो ये दो नंबर वाला जब हम लोग चालू करेंगे तो कॉमन ऊपर में जो बस बार है पूरा चार्ज हो जाएगा, ठीक है, जब हम लोग बस कपलर को ऑन करेंगे। अगर बस कपलर ऑफ रहेगा तो खाली इस वाला साइड में पावर रहेगा, इस साइड में पावर नहीं आएगा। जो क्या क्या करते हैं, जो बस कपलर बेसिकली क्या होता है, एक स्विच का काम कर रहा है, ठीक है। जो यहाँ पे पावर आ रहा है तो क्या करेंगे, हम लोग इसको जब ऑन कर देंगे तो इस साइड में भी पावर चला जाएगा। देन हम लोग पूरा जो सेक्शन है, एक लोड सेंटर है, ये जो लोड सेंटर है सीमेंट मिल का है, इससे सीमेंट मिल चलता है, ठीक है। तो क्या होगा, इस ये वाला सिस्टम में भी सप्लाई चला जाएगा, तो हम लोग पूरा चला सकते हैं, ठीक है। बस का बोलर बेसिकली काम यही होता है कि हम लोग अगर ट्रांसफार्मर को मेंटेनेंस में लेंगे,
कुछ फॉल्ट आ गया, कुछ हो गया, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, एक ट्रांसफार्मर बंद करके रखेंगे और दूसरा वाला चालू करेंगे। अभी फिलहाल ये वाला ट्रांसफार्मर बंद है, इसलिए आप लोग देख सकते हैं जो हम लोग इसको रैक आउट करके रखे हैं, ठीक है। अरे ये वाला बस कबलर ऑन है और एक नंबर वाला ट्रांसफार्मर ऑन है, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, एक ही ट्रांसफार्मर से पूरा पैनल चार्ज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हर सेक्शन में यहाँ पे देखिए आप ए पी एफ सी यहाँ से जहाँ पे जाना चाहिए था, एम सी सी पैनल पे, एम पी डी पी पैनल पे, ठीक है, एम सी सी 10 हो गया, बहुत सारा पैनल है, बैटरी चार्जर का है, सब यहाँ से जा रहा है, लाइटिंग ट्रांसफार्मर के लिए भी यहाँ से जा रहा है। तो यही है बेसिकली काम बस कपलर का, हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं अगर कुछ फॉल्ट आ गया, कुछ हो गया ट्रांसफार्मर में, तो हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रांसफार्मर से पूरा सेक्शन आराम से चला सकते हैं, ठीक है। इसलिए एक स्टैंड बाई ट्रांसफार्मर रखा जाता है ऐसे करके, ठीक है। और एक काम है, देखिए अगर मान लीजिए ये वाला जो ट्रांसफार्मर है इसमें ज़्यादा लोड बढ़ रहा है, ठीक है, बहुत लोड बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो बस कपलर है इसको हम लोग बंद करेंगे, ऑफ करके ये वाला जो है इसको भी हम लोग चार्ज करेंगे। इसको चार्ज करने से क्या होगा, इस सेक्शन में जितना भी लोड है तो ये दो नंबर ट्रांसफार्मर से चलेगा, और इस सेक्शन में जितना लोड है ये एक नंबर ट्रांसफार्मर से चलेगा, ठीक है। बेसिकली ऐसा ही होता है उसका काम, ओके। अगर मान लीजिए एक नंबर में लोड बढ़ रहा है ज़्यादा, तो हम लोग उसमें पूरा लोड नहीं दे सकते, तो फिर दो नंबर वाला हम लोग चालू करते हैं, दो नंबर चालू करके उससे लोड डिवाइड कर देते हैं, दो नंबर से भी चलना स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे उसको चलना चाहिए। तो उस दोनों जब ऑन होगा तो उस कंडीशन में बस कपलर ऑन रहना चाहिए, मिनिमम दो एट ए टाइम कोई भी दो सोर्स ऑन नहीं रहना चाहिए, कोई भी एक सोर्स ऑन रहना चाहिए, ठीक है। तो आज का वीडियो बस इतना ही है, अगर वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगता है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। तो फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग।